हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ पोहा से बनी हुई बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी। इसे बनाना काफ़ी आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी पोहा ले लिया है। इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि इसकी जो गंदगी है ना सब निकल जाए। तो देख सकते हैं इसे मैंने एक बार धो लिया, तो इसे दोबारा से हम धो लेते हैं। तो देख सकते हैं कितनी गंदगी रहती है इसमें पोहा में। तो फिर से हम ऐसे ही इसे धो लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो निकाल लेंगे। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना उसे हम निकाल देंगे और इसे हम भिगो के 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे भीगने के लिए, ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। तो दूसरी तरफ हम देख लेते हैं। तो गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ाई है, 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। तो तेल गर्म हो गया तो अब हम इसमें जीरा डालेंगे 1/4 चम्मच और इसे हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई होने देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च ली है, साथ में 2 कटी हुई प्याज ली है, तो इसे हमने बारीक से कट कर लिया है। तो इसे हम क्या करेंगे, चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो इसे ऐसे चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तो देख सकते हैं प्याज को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे हमें 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे पकाना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो देख सकते हैं मसाले को भी हमने 2 मिनट के लिए पका लिया है और मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसमें आलू डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिया है, तो आलू को भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो आलू को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसमें जो भी बड़ा टुकड़ा है ना उसे हम तोड़ देते हैं। तो देख सकते हैं आलू को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती ली है, इसे फिर से मिक्स कर देते हैं और इसे मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक आलू ठंडा होता है ना, तो यहाँ पे पोहा जो है अच्छे से फूल चुका है, तो इसे हम बाउल में डाल देते हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक हमें पहले भी डाला है तो इस हिसाब से नमक डालिए। अब हम इसमें 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे और थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ऐसे हाथों से ऐसे मसलते हुए इसे मिक्स कर लीजिए ताकि पोहा जो भी है वो टूट जाए। तो ऐसे हाथों से ऐसे ही मसलेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे डो के फॉर्म में बनाएंगे। तो इकट्ठा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालें। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं पोहा अच्छे से मिक्स हो गया है और ये डो के फॉर्म में भी आने लगा है। तो बस इसे साइड रख देते हैं। यहाँ पे जो आलू वाला मिश्रण था ना वो ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटी छोटी ऐसी लोई तोड़ेंगे और इसे गोल गोल ऐसे आकार देते हुए ऐसे बनाएंगे। तो थोड़ा छोटा ही इस लोई को हमें बनाना है। तो ऐसे ही सारे आलू को ऐसे बना के हम रख देंगे ताकि ये बाद में भरने में काम आए। तो अब हम थोड़ा सा हाथ में पोहा वाला मिश्रण लेंगे, ऐसे हाथों से गोल करेंगे और फिर हम इसे चपटा कर देंगे और इसके बीच में आलू वाला जो स्टफिंग है वो डालेंगे। और फिर इसे कवर कर देंगे। तो इसे ऐसे कवर करके जैसे कचौड़ी भरते हैं ना वैसे ही में बनाना है। तो ऐसे में बहुत सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने के लिए पहले रख दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके नाश्ता इसमें डालेंगे। तो तेल में एक बार में जितना नाश्ता है उतना नाश्ता डालें ताकि आपको पलटने में भी आसानी हो। और 2 से 3 मिनट तक हम एक साइड से सीखने देंगे, गैस को मीडियम रखें।
देखते हैं, एक साइड से ये सिक चुका है तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके नाश्ते को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो गैस को मीडियम ही रखें, मीडियम आंच पर ही हमें फ्राई करना है। तो इस नाश्ते को ऐसे ही मीडियम आंच पर दोनों साइड से उलट पुलट के हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देख सकते हैं नाश्ते में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसे फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें पोहा डाला है, साथ में हमने चावल काटा लिया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारे नाश्ते को ऐसे प्लेट में निकाल लीजिए और बचे हुए नाश्ते को मैं ऐसे फ्राई कर लेना है दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो एक बार इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जितना बनाने में आसान है ना उतना ही खाने में लाजवाब होता है। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।